Well, it's a symbolic name. Darbaan stands for a caretaker. He's the one who holds the door, right. Who guards the door. In this case, he's the caretaker of the child. So he's the Darbaan of the child. So that is the link. Yes, sir. सर आपका नाम ले रहे थे राइटर्स वहां बैठे हैं राधिका जी राकेश और इतने स्ट्रॉन्ग बेस पर ये बना है कि कहानी रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक स्टोरी पर तो कहानी में अगर आधी चीजें कहानी कह देती है हमें तो सिर्फ जो उन्होंने लिखा गया है उनको बोलना होता है और कुछ खास नहीं सारा काम इनका है ऐसा नहीं है कि शुरुआत आपकी अच्छी हो करियर में तो आपके पास अच्छी चीजें आती हैं क्योंकि शुरुआत इनसे ही हुई थी मैंने अपनी पहली फिल्म 2005 में उत्तरायण जो थी वो बिपिन सर के साथ की थी इसको नेशनल अवार्ड मिला उस साल में तो शुरुआत आपकी ऐसी हो तो फिर सफर भी अच्छा रहता है मेरे ख्याल से तो नहीं ऐसा नहीं है मतलब मुझे पता था बिपिन जो बनाएंगे वो अच्छा ही होगा कहानी के तौर पे क्योंकि वो वैसे यहाँ वहाँ के सब्जेक्ट उठाते नहीं हैं वो अच्छी ही फिल्में बनाते हैं हमेशा तो आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ और फिर हमारा साथ बड़ा पुराना है मेरे बचपन से तो मैं ना भी नहीं बोल सकता वैसा है नहीं बट आई एम क्वाइट हैप्पी विद द फिल्म बिकॉज छोटा है बट बहुत अच्छा रोल है और फिर साथ में इनके साथ काम करने का मौका मिला जो बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं फ्लोरा है रसिका है फिल्म के अंदर हर्ष जी हैं तो काफी लोग साथ में थे और बड़ा मजा आया काम करने में आई हैव टू थैंक बिपिन सर वी वर डूइंग एन एड एंड वी शॉट फॉर 2 days एंड आई थिंक फर्स्ट डे के एंड पे सर केम अलोक केम एंड सेड सो वांट्स टू टॉक टू यू आई सेड है मैं डर गई मैंने कहा आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड दैट्स व्हेन सर सेड कि आई एम मेकिंग दिस फिल्म एंड यू नो आई वुड लाइक टू कास्ट यू एंड या दैट वाज इट बाबा का ट्रेलर मैंने देखा बहुत ही खूबसूरत ट्रेलर था और आई वॉन्ट टू वॉच दैट फिल्म ऑल्सो क्योंकि मुझे दीपक जी का काम बहुत बहुत पसंद है अगर आपको इससे अगर उसकी याद आ रही है तो मुझे उस चीज़ से बहुत खुशी है और अगर रिलेटेबल है तो अच्छी बात है क्योंकि एक अच्छे कंटेंट से आप इसको रिलेट कर रहे हैं तो हमारे लिए तो खुशी की ही बात है पहली बात तो फिल्म में काम करने का मजा वही है जब आप लोगों को जानते हो तो बिपिन को मैं बहुत सालों से जानता हूँ और दोस्ती भी है उनके साथ काफी अच्छी रही बात शारिफ से मेरी मुलाकात आई थिंक फर्स्ट टाइम वही हुई थी फिल्म के दौरान बट इतने अच्छे आदमी है ना मेरे जैसे बिल्कुल तो फिर वो दोस्ती हो ही जानी थी हमारी फिर देन वी डिड फैमिली मैन सीजन 1 सीजन 2 और सेट पे काम कम होता है हमारे मस्ती ज्यादा होती है खाना पीना ज्यादा होता है तो हम लोग बहुत मस्ती करते हैं वैसे भी तो दोस्ती हमारी काफी अच्छी है और ये क्योंकि सोशल नेटवर्क पे इतने ज्यादा एक्टिव है कि कम से कम दिन में 10 बार तो इनसे बात हो जाती है बिकॉज 10 बार ये मुझे टैग करते हैं 5 बार मैं इनको टैग करता हूँ तो हमारी बात होती रहती है काफी ज्यादा तो केमिस्ट्री अच्छी है तो काम करने में उतनी उस फिल्म बिकॉज उस फिल्म में हम फर्स्ट टाइम मिले थे बट वही ना कि यार अगर सामने वाला एक्टर बहुत अच्छा हो ना तो किसी भी एक्टर के लिए बहुत वो एक एडवांटेज होता है काम करने में काम आसान हो जाता है आपका क्योंकि एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग टू समवन और अगर अच्छा एक्टर हो तो आपके लिए उतना अच्छा है इसलिए वो केमिस्ट्री शायद दिखती होगी हमारी बाकी पीछे की हमारी फिजिक्स मैच नहीं करती लेकिन केमिस्ट्री मिलती है